सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने यूट्यूब चैनल को यूट्यूब के सर्च में ला सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने यूट्यूब चैनल को यूट्यूब के टॉप सर्च में ला सकते हो, साथ ही साथ आप अपने यूट्यूब चैनल को गूगल के भी सर्च में ला सकते हो। तो बिल्कुल दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो देखते रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उसके बगल की घंटी को दबाएं। इससे क्या होगा कि हम जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी वीडियो लेकर आएंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपको मिलेगी, आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर आप अपने यूट्यूब चैनल को यूट्यूब के सर्च में कैसे ला सकते हैं। काफी लोग इससे परेशान हो जाते हैं और अपने यूट्यूब चैनल को YouTube के सर्च में नहीं ला पाते, अगर आता भी है तो नीचे आता है। तो दोस्तों देखिए, इसके लिए एक शर्त आपको ध्यान रखना है, इसके लिए एक ही शर्त है कि आपने अपने YouTube चैनल का नाम बिल्कुल ही यूनिक रखा होगा। दोस्तों यूनिक, ये यूनिक आखिर है क्या, आज की इस वीडियो में हम आपको इसके बारे में भी समझाएंगे। तो देखिए, एक ऐसा नाम जो अभी तक किसी ने नहीं रखा हो तो यही यूनिक है। जैसे कि मेरे YouTube चैनल का नाम है टेक्निकल माजी, तो दोस्तों टेक्निकल गुरुजी, टेक्निकल योगी, काफी सारे YouTube चैनल बने हुए थे, लेकिन मेरे YouTube चैनल का नाम है टेक्निकल माजी, जो है YouTube पर नहीं था। और इसी तरह से मैंने अपने YouTube चैनल का नाम टेक्निकल माजी रखा, और इसी तरह से हमारा जो YouTube चैनल है, आप मेरे YouTube चैनल का नाम चाहे गूगल में सर्च करो या फिर YouTube में सर्च करो, हर जगह आपको सबसे पहले नजर आएगा। ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरा जो YouTube चैनल है, मेरे YouTube चैनल का जो नाम है वो बिल्कुल यूनिक है, एक ऐसा नाम जो अभी तक किसी ने नहीं रखा है। इसीलिए आपको अपने YouTube चैनल का नाम, अगर आप भी यूनिक रखे हैं, अगर आपका YouTube चैनल सर्च में नहीं आ रहा है तो उसे आप सर्च में कैसे लाएंगे, आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए, उसके लिए हमें जाना होगा अपने मोबाइल के जो है स्क्रीन पर, वहीं पर हम आपको समझाएंगे कि आपको क्या क्या सेटिंग करनी है, जिसके बाद आपका YouTube चैनल गूगल के सर्च में आने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपको एक सेटिंग करना होगा और आपको उस सेटिंग करने के बाद आपका जो YouTube चैनल है वो सर्च में आना शुरू हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं। सो फ्रेंड्स, उसके लिए आप अपने मोबाइल के किसी भी ब्राउजर में चले जाएंगे, आप जो है अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेहतर होगा कि आप लोग क्रोम ब्राउजर को ही इस्तेमाल करें, क्योंकि मैं भी यहाँ पर क्रोम ब्राउजर को ही इस्तेमाल करने वाला हूँ। क्योंकि यहाँ पर देखिए, जो अलग अलग ब्राउजर होते हैं, अलग अलग उनके फीचर्स भी होते हैं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्रोम ब्राउजर का ही इस्तेमाल करें। तो चलिए आइए, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग क्रोम ब्राउजर को ओपन करेंगे। अब ओपन करने के बाद सिंपली से आपको एक वेबसाइट में जाना होगा और यहाँ पर आपको लिखना होगा youtube.com। तो सिंपली से आप youtube.com लिख करके सर्च कर दीजिए। जैसे ही आप youtube.com लिख करके सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। अब आपको सिंपल से सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि ये जो थ्री डॉट दिख रहा है, सिंपली से आपको इस थ्री डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डेस्कटॉप साइट का, इसको आप इनेबल कर दोगे। उसको इनेबल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने रिफ्रेश होकर फिर से पेज आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, इसको थोड़ा सा जूम करना है, और जूम करने के बाद, चलिए मैं जूम करता हूँ, और यहाँ पर देखिए ये जो हमारा अकाउंट दिख रहा है, ठीक है। अगर आपने पहली बार जो है, मतलब आप पहली बार जो है youtube.com की वेबसाइट में आए हैं, तो कृपया आप इस पर क्लिक करके जो है आपने जो है गूगल आईडी से साइनअप कर लीजिए, क्योंकि साइनअप करने के बाद ही जो है आप अपने YouTube चैनल को सर्चेस में ला सकते हैं। तो साइनअप करने के बाद सिंपली से क्या करेंगे, आपको यहाँ पर आपका YouTube चैनल का लोगो देखने को मिल जाएगा। सिंपली से आप अपने लोगो पे क्लिक करोगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको मिलेगा आपका चैनल। सिंपली से आप क्लिक करोगे आपका चैनल, जिसे हम अंग्रेजी में बोलते हैं योर चैनल, ठीक है। फिलहाल हम हिंदी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा, चैनल को अपनी पसंद के मुताबिक बनाए, यानी कि कस्टमाइज चैनल। तो सिंपली से आप इस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है आपके सामने काफ़ी सारे जो है ऑप्शंस आ जाएंगे। चलिए हम देखते हैं, तो यहाँ पर आपको किस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। तो देखिए, इसको आप थोड़ा सा जूम करेंगे, जूम करने के बाद आप यहाँ पर इस साइड में देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको जो है एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, तो सिंपली से आप उस सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, और इसको आप छोटा कर लेंगे। उसके बाद सिंपली से आपको यहाँ पर एक चैनल का ऑप्शन मिलेगा, आप चैनल के ऑप्शन पे क्लिक करोगे। चैनल के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक ऑप्शन कीवर्ड्स का। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आपके यूट्यूब चैनल का जो नाम है, ठीक है, तो आपके यूट्यूब चैनल का जो नाम है उस कीवर्ड को आपको यहाँ पर डालना होगा।
तो चलिए हम डाल देते हैं। सो फ्रेंड देखिए जैसे मैंने किस तरह से यहाँ पर कीवर्ड डाला हुआ है। कीवर्ड डालने के बाद सिंपली से आपको इंटर वाला बटन पे क्लिक करना होगा। इस पे जैसे ही जो है एक बार क्लिक करोगे तो आपने जो भी कीवर्ड लिखा है वहाँ पर जो है वो एक कीवर्ड के तरफ सेट हो जाएगा। तो इसी तरह से आप जितने भी सारे कीवर्ड्स वहाँ पर सेट करना चाहते हो, देखिए आपको कीवर्ड्स किस तरह का सेट करना है आपके यूट्यूब चैनल से रिलेटेड। जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है टेक्निकल माजी, तो मैं टेक्निकल उसके बाद कुछ भी लगा करके मैं यहाँ पर कीवर्ड को ऐड कर सकता हूँ ताकि मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब के टॉप सर्च में चले आए। कोई लोग कुछ भी सर्च करे तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है वो टॉप सर्च में आ जाए। तो यहाँ पर आप अपने मन के मुताबिक जितने भी सारे कीवर्ड्स को जोड़ना चाहते हैं जोड़ सकते हैं। जोड़ने के बाद सिंपली से आप यहाँ पर आपको सेव करें यानी कि सेव, तो सिंपली से आपको इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों इस तरह से आपका सेव हो चुका है। अब इसको सेव करने के बाद यानी कि इसको सेव करने के 24 घंटे बाद आपका जो यूट्यूब चैनल है, अगर आपने अपने यूट्यूब चैनल का नाम यूनिक रखा हुआ है तो आपका जो यूट्यूब चैनल है वो यूट्यूब के सर्च में भी आएगा और साथ ही साथ गूगल के सर्च में भी आना शुरू हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, इसको सेट करने के बाद बिल्कुल 24 घंटे के बाद आप देखेंगे अपने YouTube चैनल को सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको YouTube के सर्च में भी दिखेगा और उसके बाद जो है Google के सर्च में भी दिखेगा। लेकिन इसके लिए एक ही शर्त है कि आपने अपने YouTube चैनल का नाम यूनिक रखा है या नहीं। रखा है तो बिल्कुल आएगा, अगर नहीं रखे हैं तो इसमें जो है थोड़ा सा आपको इंतज़ार करना होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपने YouTube चैनल को YouTube की टॉप सर्च में ला सके। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको कोई भी समस्या हो YouTube चैनल से रिलेटेड तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करना मत भूलिएगा। हम आपको इसी तरह से बिल्कुल आसान तरीके से समझाते रहेंगे कि आपको अपनी समस्या को किस तरह से समाधान करना है। सो फ्रेंड धन्यवाद।